तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, आई होप के आप सब लोग अच्छे होंगे। एंड एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल सार्दिकल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले रियल क्रिकेट 22 गेम के बारे में। जी हां दोस्तों, काफ़ी टाइम हो चुका है कंपनी को पोस्टर रिलीज किए, तो काफ़ी सारे बंदे कमेंट कर रहे थे कि भाई गेम कब तक, यानी कि एक बार फिर से ये जो गेम है मतलब कि डिले होने वाला है या फिर नहीं। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम जो मैं आपको जो है फुल डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि गेम यहाँ पर डिले हो सकता है, और गेम अगर डिले होगा तो आपको कब तक देखने मिलने वाला है, और गाइस इस गेम का जो ऑफिशियल डिले है आपको इसी मंथ में देखने मिलने वाला है या फिर नहीं। इन दोनों की मैं आपको कंफर्म डेट जो है इस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही खास है आप सभी आरसी लवर्स के लिए, आई होप कि आप सब लोग वीडियो के एंड तक जरूर देखेंगे। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों आज के समय जो इंटरेस्टिंग वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट, लेट्स गो। तो गाइस आप सब लोगों को पता होगा जब यार कंपनी ने यार मतलब कि जो फर्स्ट पोस्टर यहाँ पर रियल क्रिकेट 22 का रिलीज किया, तो यार ऑडियंस जो मतलब कि काफ़ी खुश हो चुकी थी कि भाई अब पोस्टर आ चुका है तो गेम भी बहुत ही जल्दी आने वाला। बट गाइस यार उस पोस्टर को रिलीज हुआ लगभग एक मंथ से ऊपर हो चुका, बट गाइस कंपनी ने हमें और कुछ चीज़ें नहीं दिया। तो गाइस कंपनी से यार मैं तो यार बहुत ही ज़्यादा मतलब कि नारा यानी कि डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि यार कंपनी ने इतना लंबा मतलब कि एक मंथ हो चुका पोस्टर को रिलीज किया, तो गाइस कंपनी को यार कुछ ना कुछ यहाँ पर रिलीज करना था। मतलब कि जो उनकी ऑडियंस है जो क्रेज बना है मतलब रियल क्रिकेट 22 का, वो मतलब कि थोड़ा थोड़ा कम होने लगा, क्योंकि यार अब लोग जो है आशा छोड़ देते हैं। काफ़ी सारे बंदे सोचने लगे कि भाई गेम डिले हो जाएगा मतलब ऐसा, तो कंपनी को और ऐसा नहीं करना चाहिए। जब कंपनी ने पोस्टर रिलीज कर दिया तो कंपनी को मतलब कि कंपनी का टीजर या फिर मतलब कि गेम का मतलब कि जो कुछ अनाउंसमेंट वगैरह, तो यहाँ पर कंपनी को जरूर से यहाँ पर एक और पोस्टर या फिर गाइस टीजर वगैरह या फिर गेम प्ले छोटा सा मतलब कि कंपनी को कुछ ना कुछ वहाँ पर जरूर से यार देना चाहिए। गाइस सर कंपनी की बहुत ही मतलब कि अच्छी बात नहीं मतलब गलत बात है। तो गाइस फिलहाल में हम बात करने वाले इस वीडियो के अंदर कि भाई क्या गेम डिले होने वाला, तो गाइस सबसे पहले हम इसी पर बात कर लेते हैं कि भाई गेम डिले होने वाला या फिर नहीं। तो गाइस मैं आपको इस मतलब कि गाइस मैं आपको डिटेल के साथ बता चुका हूँ, मतलब गाइस गेम तो यार मेरे हिसाब से मतलब कि डिले नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा गेम जो है फरवरी के स्टार्ट में आने वाला था। तो गाइस गेम आपको फरवरी के एंड तक यहाँ पर देखने मिल जाएगा गाइस, क्योंकि यार गेम इसलिए डिले नहीं हो सकता क्योंकि गाइस आपको पता है कंपनी पिछले एक साल से यार इस गेम पर मतलब कि यार इस गेम के ऊपर काम कर रही थी। तो गाइस आप खुद भी सोच सकते हो कि मतलब कि कंपनी ने यार एक साल मतलब कि गेम को अपने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया होगा, बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें रह गई होंगी वो गाइस अभी जो है कंपनी मतलब कि अभी भी कंपनी का जो है काम चालू है रियल क्रिकेट 22 के ऊपर। तो गाइस इसी वजह से गाइस मैं आप सब लोगों से बोल रहा हूँ कि गेम ज़्यादा डिले नहीं होगा, फरवरी के एंड तक यहाँ पर आपको जो है गेम देखने मिल सकता है, क्योंकि यार मतलब कि जो कंपनी का गेम है वो ऐसा 99% यहाँ पर मेरे हिसाब से कंप्लीट हो चुका हो, बाकी जो 1% बचा है वो ऐसा ट्रेलर का ही मान लो आप लोग। मतलब कि अभी जो कंपनी ट्रेलर पर वर्क कर रही है वो ट्रेलर भी आपको बहुत ही जल्दी देखने मिल जाएगा, तो ट्रेलर का भी मैं आपको बताऊँगा वो कब तक आने वाला है। अब जो मतलब गाइस आपका जो डिले का रीज़न है मेरे हिसाब से क्लियर हो चुका होगा, मतलब कि यार मतलब कि ट्रेलर भी आपको काफ़ी जल्दी हो, जो गेम है वाइस वो अब मेरे हिसाब से आपको फरवरी के एंड तक यहाँ पर देखने मिल जाएगा। तो गाइस ये आपका डाउट यह क्लियर होना चाहिए यहाँ पर गेम मेरे हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा डिले नहीं होगा, क्योंकि कंपनी ने मतलब कि कंपनी का जो काम है यानी कि रियल क्रिकेट 22 का जो वर्क है मेरे हिसाब से पूरी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट हो चुका होगा। बाकी अब जो मतलब कि कंपनी का कुछ शेड्यूल वगैरह होता है आपको भी पता है, मतलब कि जब कंपनी का शेड्यूल बना रहता है तभी गाइस कंपनी जो पोस्ट करती है उसी के हिसाब से ट्रेलर को लॉन्च भी करने वाले। तो गाइस कंपनी मतलब यार कंपनी फालतू तो बैठी नहीं होगी, भाई कंपनी ने पोस्ट कुछ भी नहीं किया एक मंथ से, तो भाई कंपनी का कुछ ना कुछ प्लान चला होगा कि भाई आपको कैसे सरप्राइज देना है क्या कुछ देना है। तो गाइस आप लोग टेंशन मत लो, आपको कंपनी की तरफ से जरूर है बहुत ही जल्दी कुछ ना कुछ देखने मिल जाएगा और गेम भी ज़्यादा डिले नहीं होगा। एंड गाइस अब बात कर लेते हैं ट्रेलर के बारे में, ऑफिशियल ट्रेलर के बारे में। जो दोस्तों मतलब कि काफ़ी मतलब कि मैंने ही बोला था कि आपको मतलब कि मीडिया पर मतलब भाई सर मैंने तो आपको ऑलरेडी बोल रखा था कि भाई मीड में आपको बहुत ही कम चांस है कि इसका ट्रेलर देखने मिल जाएगा, बट मीड से ऊपर भी हो चुका है। तो गाइस मैंने तो आपको मतलब कि कई सारी वीडियो में यही बोला था कि जो रियल क्रिकेट 22 का ट्रेलर है वो गाइस आपको जनवरी के एंड तक मतलब कि मिल सकता है। तो गाइस अभी कन्फर्म है मेरे हिसाब से, और गाइस मुझे भी कुछ ऐसा मतलब कि पता लगा जो गाइस अभी सैटरडे जा चुका है उसके अंदर यहाँ पर मतलब कंपनी की कुछ गाइस मीटिंग वगैरह हुई थी जो कि गाइस ट्रेलर से रिलेटेड है। तो गाइस मेरे हिसाब से आप लोग मुझे मतलब कि बहुत ही जल्दी जो है ट्रेलर देखने मिल जाएगा, क्योंकि अभी जो मीटिंग हुई है जो मतलब मुझे पता चला है थोड़ा बहुत, तो गाइस वो मीटिंग मेरे हिसाब से ट्रेलर के रिलेटेड ही हुई है, मतलब यह भी पता है मुझे उसके मतलब कि जो मीटिंग के अंदर मेरे हिसाब से ट्रेलर की बात की गई कि भाई ट्रेलर को कब लॉन्च करना है मतलब कि ऐसा कुछ हो गया है। तो गाइस ट्रेलर आपको बहुत ही जल्दी देखने मिल जाएगा एक वीक के अंदर या फिर जो है आपको जनवरी के अंदर तक यहाँ पर जो आपको मतलब कि 99% कन्फर्म चांस है कि आपको जो है रियल क्रिकेट 22 का ऑफिशियल ट्रेलर जल्दी देखने मिलने वाला, यानी कि जनवरी के अंदर तक देखने मिल जाएगा। जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर जो है ट्रेलर के बारे में बात की गई कि ट्रेलर को कब लॉन्च करना है मतलब कि कब कैसा शेड्यूल बनाना है, ट्रेलर को कब रिलीज करना है। तो गाइस ऐसा ही कुछ कुछ मीटिंग के अंदर हुआ गया, तो गाइस ट्रेलर आपको मतलब कि जनवरी के अंत तक देखने मिल सकता है। तो गाइस आई होप के आप सब लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए हैं, और दोस्तों कुछ भी रहेगा तो आप कमेंट कर देना, भाई आपका रिप्लाई करके वहां भी क्लियर कर देगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही यार, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए बाबा गुरु बस जहन वंदे मातरम।